साल 1948 के ओलंपिक गेम्स एक उम्मीद की एक किरण बनकर सामने खड़े थे। उम्मीद इसलिए क्योंकि 12 साल के अंतराल पर ये गेम्स हो रहे थे और भारत बतौर आजाद मुल्क पहली बार ओलंपिक्स में तिरंगा लिए शामिल होने का गौरव महसूस करने का इंतजार कर रहा था। ध्यानचंद जैसे महान भारतीय खिलाड़ी खेल से रिटायरमेंट ले चुके थे। बंटवारे के बाद खिलाड़ी भी दोनों मुल्कों में बंट गए थे। बहुत से खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे। ये भी प्रस्ताव आए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान संयुक्त टीम ओलंपिक्स में भेजें, मगर इस पर दोनों मुल्कों की सहमति नहीं बनी तो हिंदुस्तान की टीम बनी। रेलवे के लिए हॉकी खेलते रहे किशन लाल की कप्तानी में टीम लंदन ओलंपिक्स के लिए तैयार हुई। उपकप्तानी केटी सिंह बाबू को दी गयी। टीम में पहले से लेस्ली क्लॉडियस और पंजाब से बलबीर सिंह सीनियर को ओलंपिक खेलने का एक्सपीरियंस था। टीम के मैनेजर थे सी चैटर्जी, जिन्होंने टीम को लंदन ले जाने की जिद की और इस भरोसा दिलाया कि कम अनुभव वाली टीम भी गोल्ड जीत कर आएगी। अब फिल्म गोल्ड में अक्षय कुमार चैटर्जी का किरदार निभा रहे हैं। हालांकि फिल्म निर्माताओं का कहना है कि गोल्ड की कहानी काल्पनिक है। हॉकी के जानकार इसे चैटर्जी के कैरेक्टर से जोड़कर देख रहे। 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजल्स और 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में पहले ही हॉकी में गोल्ड जीत चुके भारत के लिए 1948 में लंदन में हो रहे ओलंपिक्स इसलिए भी खास थे क्योंकि इस दफा आजाद भारत अपने झंडे तले इनमें शामिल हो रहा था। लंदन में इंडिया का पहला मैच ऑस्ट्रिया के साथ था। पहले ही मैच में इंडिया को 8-0 से सफलता मिली। बलबीर सिंह सीनियर ने अकेले 6 गोल दागे थे। इसी से मिले कॉन्फिडेंस पर टीम ने अगले मैच में अर्जेंटीना को 9-1 से पस्त किया। क्वार्टर फाइनल में फिर स्पेन को 2-0 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में हॉलैंडर को 2-1 से हराकर टीम फाइनल में पहुँच गयी। फाइनल में मुकाबला अपने पूर्व शासक ब्रिटेन से था। यहां जीत का मतलब उस बरसों की गुलामी का बदला भी था। फाइनल खेलने उतरी हिंदुस्तान और ब्रिटेन की टीम। भारत के कई खिलाड़ियों को यहां नंगे पांव खेलते देखा गया था क्योंकि इंग्लैंड में मैदानों पर काफी घास थी जिसके चलते खिलाड़ी खेलते हुए फिसल रहे थे। पहले 2 गोल बलबीर सिंह ने दाग दिए और इस लीड को टीम के दूसरे खिलाड़ी जेंसन पैट्रिक और तरलोचन सिंह ने 1-1 गोल करके 4-0 कर दिया। इस तरह भारत ने आजादी के बाद अंग्रेजों को अपने नेशनल गेम में पटखनी देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। ये भारत का लगातार 4th ओलंपिक गोल्ड था। ये ओलंपिक गेम्स और भी यादगार हो सकते थे यदि फाइनल में मुकाबला पाकिस्तान से होता, मगर पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में ब्रिटेन ने हरा दिया था। इन्हें देखने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी पहुंचे थे।